हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडएक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो पर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कितने रुपए हमारे लिए टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ग्रो पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अपने ग्रो के अकाउंट पर आएंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा। अब नीचे आपके लिए मिडल में एक ऑप्शन दिखाई देता है म्यूचुअल फंड का, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जो कि ग्रो पर लिस्टेड है। अब इन सब म्यूचुअल फंड में हम किसी में भी निवेश यहाँ पर कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेते हैं, जैसे ICICI पे क्लिक किया। तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा मंथली SIP। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप इस म्यूचुअल फंड में सिंगल टाइम में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 50,000 रुपए, जितने भी रुपए आपके लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने हैं वो आप सिंगल टाइम में यहाँ पर निवेश कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर मिलता है मंथली SIP का, यानी कि आप मंथली 500 रुपए, 1,000 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए, जितने भी रुपए आपके लिए हर मंथ आपके लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करनी है उनको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो और मंथली आपके अकाउंट से यहां पर रुपए डिडक्ट होते जाएंगे और इस म्यूचुअल फंड में निवेश होते जाएंगे। तो जब हम मंथली SIP क्रिएट करते हैं तब हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स देना पड़ता है, और जब हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स देना पड़ता है, इन सब को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ब्रोकरेज चार्ज और टैक्सेस को जानने के लिए हम गूगल पर चलेंगे और वहाँ पर सर्च करते हैं ग्रो। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे लिए ग्रो के एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितने रुपए ब्रोकरेज चार्ज और टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर स्टॉक्स का दिखता है कि जब हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तब हमारे लिए वहाँ पर कितना ब्रोकरेज चार्ज और टैक्सेस देना पड़ता है। अगर आपके लिए स्टॉक्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तब हमारे लिए वहाँ पर कितना निवेश या टैक्स देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन दिखेगा अकाउंट ओपनिंग का, यानी कि जब हम ग्रो पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए 0 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब कि कोई भी हमारे लिए वहाँ पर चार्जेज नहीं देना पड़ता। दूसरा ऑप्शन आपके दिखाई देगा ट्रांजेक्शन चार्जेज 0 रुपए, नो चार्जेज फॉर इन्वेस्टिंग इन और रिडीमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आपके लिए कोई भी रुपए नहीं देना पड़ता, और रिडीमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, और जब आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे को निकालते हो तब भी आपके लिए यहाँ पर कोई भी रुपए नहीं देना पड़ता। तो मतलब कि जब हम ग्रो पर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तब वहाँ पर भी हमारे लिए कोई रुपए चार्जेज के रूप में या टैक्सेस के रूप में नहीं देना पड़ता ग्रो को, और जब हम अपने पैसों को म्यूचुअल फंड से निकालते हैं तब वहाँ पर भी हमारे लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स हमारे लिए ग्रो के लिए नहीं देना पड़ता। तो डायरेक्ट ये है, तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम ग्रो पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज और टैक्सेस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।